दोस्तों आज मैं आप सभी को एमुलेटर को कैसे एंटी क्रैश बनाया जा सकता है वो सिखाऊंगा। यहाँ पे मेरे पास एक टूल्स है और यह टूल्स मेरे पीसी में काफी टाइम से पड़ा हुआ है, लेकिन मैं इसके बारे में वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि वो टूल्स काम कैसे करता है मैं अब तक नहीं समझ पाया। मैं इसे डिकोड करने की कोशिश की थी, लेकिन इसका जो कोड है वो इंक्रिप्टेड है, लेकिन टूल जो है वो काम की चीज है और इसीलिए मैं आप लोगों को इसके बारे में बताना चाहता हूँ। तो मैं टूल्स को ओपन कर लिया। यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लिस्टक 4.240 MSI 4.240, मतलब आपको ब्लिस्टक का जो वर्जन है वो 4.240 होना चाहिए या तो MSI का 4.240। ये टूल्स तभी काम करेगा। और यहाँ पे कुछ यूट्यूबर का क्रेडिट दिया हुआ है, यानी कि उन्होंने ये टूल बनाया होगा शायद। तो मेरे पीसी में वो वर्जन ऑलरेडी इंस्टॉल है। यहाँ पे आप देख सकते हो 4.240, लेकिन इसको यूज करने के लिए एमुलेटर को क्लास करना है, तो मैं इसे पूरी तरह से क्लास कर लेता हूँ। ये कम्प्लीटली स्टॉप हो गया है। यहाँ पे मैं ब्लिस्टक इस पर रहा था, तो यहाँ पे क्लिक करूंगा, एंटी केज ब्लिस्टक मैसेज आया है और यहाँ पे एक्टिवर यानी कि एक्टिवेट करेंगे, तो हो गया होंगे एंटी क्रैश